जी केंद्रीय रेल मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री मान्य श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवध पुरुई प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी, प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामणि से, प्रभु राम की जन्मभूमि से, माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। भाइयों बहनों, और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व तो बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम सब आभारी हैं। क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं, उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर
भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है 15,700 करोड़ की केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की, जो नई अयोध्या की नए स्वरूप को साकार करेंगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाएं बटन दबा और बटन दबते ही शंखनाद के साथ एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम साक्षात धर्म के, कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनके धाम अयोध्या में दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को न हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक
आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृतकाल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है, अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बड़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य दो अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबतूर और बेंगलुरु, मैंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा। वहीं विकसित भारत का पथ भी होगा प्रशस्त। अयोध्या धाम जंक्शन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नई अयोध्या तैयार है सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए। नई अयोध्या की इस नई तस्वीर पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। अयोध्या सिर्फ एक नगर नहीं है, अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या इस महान देश की संस्कृति और दैनिक जीवन के मूल में है। ये प्रभु श्री राम की अयोध्या है, ये सप्तपुरियों में प्रथम इस महान देश की अयोध्या है। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राम का जो कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यही ध्येय वाक्य बना श्री राम मंदिर और अयोध्या के सुंदरीकरण से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का। अयोध्या विजन के अंतर्गत 37 विभागों की 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की 178 परियोजनाओं का लक्ष्य एक ही है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पूरे विश्व में अतुलनीय हो। 821 एकड़ में बने और 2200 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े रनवे के साथ पूरी सज धज के साथ तैयार हो चुका है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और अभी इस एयरपोर्ट में सालाना 10 लाख हवाई यात्रियों को संभालने की क्षमता है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का आगे का हिस्सा अयोध्या में तैयार किए गए श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है और टर्मिनल बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाने वाली स्थानीय कला पेंटिंग से सजाया गया है। वहीं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर की झलक के साथ श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव देने के लिए तैयार है। अयोध्या नगर के अंदर लगभग 13 किलोमीटर के 4 लेन वाले राम पथ के साथ साथ भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और धर्म पथ, अत्याधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और 4 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग के साथ तैयार है। प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूरे अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के साथ साथ अयोध्या के पवित्र घाट और कुंडों का सुंदरीकरण इन्हें एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे हैं।
नगर का संपूर्ण विकास हो और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित शौचालय और यूटिलिटी सेंटर, सीवरेज व्यवस्था, 24/7 पेय जल सुविधा, अंडरग्राउंड बिजली के तार, मुक्तिधाम, 33 से अधिक पार्कों का सुंदरीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उत्कृष्ट सुविधा की गई है। अयोध्या के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जगह जगह पर रेलवे ओवरब्रिज और अन्य शहरों से सड़क मार्ग से आने के लिए राजमार्गों को 4 लेन बनाकर सुगम व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की अयोध्या यात्रा की परिकल्पना करते हुए नगर में प्रवेश से लेकर उनके अयोध्या प्रवास की अवधि के हर क्षण, हर कदम पर उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा देने के लक्ष्य के साथ तैयार है अयोध्या। श्री राम आन बान है, श्री राम हिंदुस्तान है, तैयार है अयोध्या, पधारिए आह्वान है, पधारिए आह्वान है। नई अयोध्या तैयार है सबके स्वागत के लिए। दिव्य, भव्य और नव्य अयोध्या को पूरी गरिमा और गौरव के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साकार होने की गारंटी का दूसरा नाम है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। हम सभी का ये उत्साह, ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य जी, अश्विनी वैष्णव जी, बीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, सभी सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए मेरे परिवारजनों,
देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है। तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज
यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि मान पुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है, अयोध्या को स्मार्ट बना रही है। आज अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, नए फुटपाथ बन रहे हैं, आज अयोध्या में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। अयोध्या को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है। साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया। महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रभु श्री राम ने कहा था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अर्थात हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम, इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है।
आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल 60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60 हजार लोग आ जा सकेंगे। साथियों, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का मार्गों का भी लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकार्पण किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज से यहां आरोग्य की सुविधाओं को और विस्तार मिलेगा। सरयू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजन सरकार पूरी तरह समर्पित है। सरयू जी में गिरने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है। राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है। सरयू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है। यहां के सभी प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। लता मंगेशकर चौक हो या राम कथा स्थल, ये अयोध्या की पहचान बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इससे यहां के टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामग्री बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज यहां आधुनिक रेलवे के निर्माण की तरफ एक और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेनों की ये त्रिशक्ति भारतीय रेलवे का कायाकल्प करने जा रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है। दिल्ली दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी। इससे बिहार के लोगों के लिए भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे रामलला के दर्शन को और सुगम बनाएगी। ये आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन विशेष रूप से हमारे गरीब परिवार, हमारे श्रमिक साथियों को बहुत मदद करेगी। श्री रामचरितमानस में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्म, कोई और कर्तव्य नहीं है। आधुनिक अमृत भारत ट्रेनें गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार हैं। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं इन राज्यों को भी अमृत भारत ट्रेनों की बधाई दूंगा। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को जोड़ने में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी। आज देश के 34 रूट पर